डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, यह तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आज जो दरभंगा की चिकित्सकों ने कर दिखाया है, वह कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा था। परिजनों ने तो डॉक्टर को भगवान ही मान लिया। डॉक्टर की इस काबिलियत का सब लोग सराहना करते नहीं थक रहे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों ने वह कर दिखाया है जो आप सोच नहीं सकते थे। दरअसल यह जो तस्वीरें देख रहे हैं, बेनीपुर के गुड्डू कुमार पासवान की है। इसके मुंह के आर पार एक रड घुस गया था। इसका ऑपरेशन ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर में हुआ और युवक की जान बचा ली गई। वहीं युवक के परिजनों ने क्या कुछ कहा है और डॉक्टरों ने किस तरह ऑपरेशन किया और युवक की किस तरह जान बचाई गई, आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कैसे घटना हुई थी आपके साथ? एक वीडियो हम लोग देख रहे हैं कि रॉड आपके चेहरे से पीछे सर से आर पार था, फिर भी आप बोल रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कैसे सब कुछ हुआ? अपने गाय को गए थे चराने के लिए खेत में, कि रस्सी बांध के की ठोक लिए थे खेत में और आए बैठ के फोटो क्लिक कर रहे थे। अभी गाय दौड़ी और कीट उखड़ के सीधा उड़ के मेरे मुँह पर लगा और बच गया पूरा। फिर मेरा आँख खुला तो मेरे पास फोन था, तो मैं वीडियो बनाया। कब हुआ था ये? शाम 6 बजे। मतलब कुछ दिन पहले हुआ था ना? तो अभी यहाँ आपका इलाज हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या तकलीफ है, कितना बेहतर अब पहले से अब लग रहा आपको? पहले से बहुत अच्छा। यहाँ के डॉक्टर ने कितनी मदद की आपकी? बहुत ज्यादा। तो लग रहा है कि नया जीवन दान मिल गया। आप वीडियो में बोल रहे थे कि आप नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। कंडीशन ऐसा था, लग रहा था नहीं बच पाएंगे। तो यहाँ के डॉक्टरों को धन्यवाद दीजिए कि आपका एक नया जीवन दान मिला है, बच गए। धन्यवाद। एक बार और एक बार जीने का। हाँ, उसमें आए थे गाड़ी 1.5 घंटा तक गाड़ी में उसमें थे। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद डॉक्टर सब रख लिए? रख लिए। चाचा था, बोला यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, तो वीडियो बनाने का दिमाग में कैसे आया इस वक्त जब आपके साथ ये घटना हुई? वीडियो हमको लगा अब हम नहीं बचेंगे, इसीलिए लास्ट वीडियो अपने मम्मी के लिए बनाया। ये जो केस था ये बहुत ही गंभीर था, क्योंकि उनका रॉड जो है वो चेहरे से घुस करके पीछे गर्दन के पीछे से निकला था। और हम लोग जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती है ब्रेन से, चाहे वो नर्सिंग हो या ब्लड वेसल्स हो, वो सारे गर्दन होते ही जाते हैं। अब प्लस वहाँ पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, लेकिन किसी में भी इंजरी नहीं थी। और इसे करने के लिए बहुत लोग तैयार, हम लोग बाहर भी बात किए लेकिन लोग तैयार नहीं थे। फिर हमारे मैगरोफेशियल सर्जन और न्यूरो सर्जन की टीम ने, तीन सर्जनों की टीम ने मिल करके इसे निकाला और इसे सफल पूर्वक निकाल दिया। अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो इस तरह की सर्जरी यहाँ पर होना बहुत ही मुमकिन नामुमकिन काम था, लेकिन अब कुछ दिनों से, कुछ सालों से यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर लोग आए हैं जो तो इस तरह की सर्जरी को अंजाम दे रहे हैं, अन्यथा इसी केस के लिए लोगों को पटना या दिल्ली कहीं और जाना पड़ेगा। ग्लोबल क्लिनिसिटी हॉस्पिटल दरभंगा में लोग इसको किस रूप में जाने, आप क्या चाहते हैं? ग्लोबल क्लिनिसिटी हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, और हम लोग किसी भी गंभीर तरीके से इंजर्ड मरीज को भी इलाज कर रहे हैं और साथ ही गंभीर बीमारियों की भी इलाज हो रही है। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी इलाज यहाँ पर नहीं हो, और एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है? डॉक्टर नवीन कुमार। फेसियल सर्जन जो होते हैं, जो वो चेहरे से रिलेटेड जो भी इंजरी होती है या डिफॉर्मिटी होती है उसके लिए मैगलोफेशियल सर्जन। न्यूरो सर्जन जो न्यूरॉन्स के लिए, ब्रेन वगैरह के लिए जो काम करते हैं। ये केस जितना देखने से लगता है उससे कहीं ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें डर था कि कहीं रॉड निकालने के बाद उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, इसलिए इसमें
एक पूरी टीम रखी गई, लगभग 3 से 3.5 घंटे इसमें लगे और बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन फाइनली हम लोगों ने इसे कर लिया और अभी मरीज मेरा स्वस्थ है और बहुत अच्छे कंडीशन में। हमने उनका वीडियो जो घटना के वक्त हुआ था उसमें कह रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे, आज अभी हमने उनके स्वस्थ होने के बाद उनसे जब बात की तो कहा कि हमको भगवान ने बचा लिया जी। तो जो कहा जाता है कि डॉक्टर पृथ्वी पे भगवान के समान है, उससे आप कितना सहमत हैं, किस तरह से देखते हैं? ये तो मरीजों की आस्था है या लोगों का आस्था है कि डॉक्टर भगवान के रूप में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर भी एक आम मनुष्य के जैसे ही होते हैं, भगवान वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो लोगों की आस्था है, जिनकी जान बच जाती है उनको लगता है कि मेरी जान बच गई और कहीं ना कहीं डॉक्टर ही मेरे लिए भगवान है। चिकित्सक के रूप में ऐसे केस में जब आप लोग सफल ऑपरेशन करते हैं, सफल सर्जरी करते हैं, लोग इस तरह की बातें करते हैं तो कितना संतुष्टि और खुशी महसूस होती है? जब आप कुछ काम करते हैं और सफलता मिलती है तो संतुष्टि तो होती है, और खास करके और लोग भी अगर उसकी बड़ाई करें और उसके बारे में चर्चा करें, बात करें, तो बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। भतीजा है, क्या हुआ था इसके साथ, क्या घटना घटी थी इसको, ये अचानक घटना घटा, ये सरिया निकल के ये पिक्चर को सूर्य भगवान का रोशन लाली जब होता है उनका ये फोटो ले रहा था, उस समय सरिया निकल के अपने आप इसमें घुस गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद कैसे यहाँ की जानकारी मिली दरभंगा में? आप बहुत सारे हॉस्पिटल है लेकिन ग्लोबल क्लिनिक सिटी हॉस्पिटल में आए, इसके बारे में कहाँ से आपको पता चला? ये हमारा भाई बताए, भाई बताए। तो यहाँ इलाज हुआ, कितना आप लोग संतुष्ट हैं? इलाज से संतुष्ट है। डॉक्टरों का यहाँ व्यवहार कैसा रहा? ठीक है डॉक्टर का व्यवहार। बाकी जगह से इस हॉस्पिटल में आपको कितना अलग महसूस हो रहा है? ठीक है। आपके बच्चे को नया जीवनदान मिला है? हाँ, नया जीवनदान मिला। क्या कहेंगे डॉक्टरों? डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप होता है। अध्यक्षता में एक टीम का गठन हुआ जिसमें एक सीवियर सर्जरी की गई, कैसे कुछ हुआ, क्या मामला था, उस पेशेंट का क्या हाल था जब वो एडमिट हुआ, कब एडमिट हुआ, उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी। ये केस जब हमारे पास आया था तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हम लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। फिर हमने इसके रिपोर्ट पे देखा कि क्या कंडीशन है, इसका जो रड जो अंदर गया हुआ है उसका क्या कंडीशन है, किस किस नर्व्स को डैमेज किया है, इसके लिए हम लोगों ने पहले उसका सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन के अकॉर्डिंग फिर हमने प्लान किया, फिर उस पर फाइनल हुआ कि हाँ किस किस डॉक्टर के इसमें जरूरत पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने डॉक्टर्स की टीम बनाई और फिर हमने इस सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अच्छा है, पेशेंट डिस्चार्ज हुआ 2 दिन में। कितना आप संतुष्ट है यहाँ, उनके परिजन आपके यहाँ से इलाज करा कर क्या फीडबैक मिल रहा है? परिजन को एक नया, उस बच्चे को एक नया जीवन मिला है, क्योंकि उसके परिवार वाले जब आए थे तो उन्होंने उम्मीद अपना पूरा खो दिया था। आप उसका एक वीडियो अभी आप लोग के पास होगा आई थिंक, जो वायरल हुआ है वो देख सकते हैं, उसमें उसने सीधे बोला था कि हम नहीं बचेंगे और उसको ही इंडिकेट करते उसने अपने माँ को ये वीडियो, एक उस माँ के लिए एक वीडियो बनाया था कि हम अब नहीं बचेंगे। बट यहाँ जब वो बच्चा है और जब हम लोगों ने उसे संतुष्ट किया तो उसे लगता है कि एक नया जीवन मिला है। अच्छा, ये बताइए कि ग्लोबल हेल्थ क्लिनिक सिटी, ग्लोबल क्लिनिक सिटी हॉस्पिटल, ग्लोबल क्लिनिक सिटी हॉस्पिटल क्या है, यहाँ किस चीज की इलाज होता है, यहाँ कैसे डॉक्टर्स हैं, लोगों को कम जानकारी है, क्या वजह है इसके बारे में? यहाँ पे सारे चीजों की इलाज होती है, हमारे यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर है, ऑर्थो के, गायनी के, पल्मो के, न्यूरो से रिलेटेड डॉक्टर हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर हैं हमारे पास, तो यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर चीज का केस हम लोग लेते हैं, आरटीए केस को, सारे केसेस को लेते हैं हम लोग और हमारा अपना पूरा एफर्ट देते हैं कि उस केस को हम लोग सही से करें। और हमारे पास से अभी अच्छा न्यूज है कि मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट गया अभी तक, कि सारे पेशेंट सही होकर गए हैं, उनका फीडबैक भी सही रहा है, गूगल रिव्यू है हमारा।